बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। प्रतिस्पर्धा आदमी को कहीं तक भी ले जा सकती है, सकारात्मक हो तो आसमां तक और नकारात्मक हो तो ईर्ष्या, जलन और नीचा दिखाने की हद तक। कल से गढ़ रोड स्थित आनंद हॉस्पिटल व न्यूट्रीमा चर्चा के केंद्र में है। चर्चा का कारण न्यूट्रीमा के एक चिकित्सक निदेशक का वह ऑडियो है जिसमें वह बता रहे हैं कि आनंद हॉस्पिटल में एक चिकित्सक ने कोरोना संक्रमित महिला का ऑपरेशन किया है। इसके बाद आनंद कभी भी सील हो सकता है और स्टाफ क्वारंटाइन। ऑडियो वायरल हुआ तो चिकित्सकों में भी चर्चा का विषय बन गया। आनंद हॉस्पिटल के निदेशक ने भी आनंद फार्म में न्यूट्रीमा के संबंधित चिकित्सक निदेशक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। गढ़ रोड पर आनंद हॉस्पिटल का एक समय अच्छा खासा जलवा रहा है, लेकिन इन दिनों वह तमाम तरह के क्राइसिस से जूझ रहा है। 400 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी के चलते वहां की व्यवस्था डगमगा गई है। इसी बीच थोड़ा सा आगे करीब 18 चिकित्सकों द्वारा पार्टनरशिप में शुरू किए गए न्यूट्रीमा नर्सिंग होम ने आनंद संचालकों की पेशानी पर बल डाल दी है। दोनों के बीच खासा कंपटीशन है। गत दिवस न्यूट्रीमा के चिकित्सक व निदेशक डॉक्टर संदीप गर्ग ने एक ऑडियो जारी किया। आइए सुनते हैं पहले वह ऑडियो। लेटेस्ट न्यूज आ रही है, डॉक्टर अंजीन अग्रवाल ने आनंद में मानसी द्वारा बुलाए गए पेशेंट को ऑपरेट कर दिया। वो कोविड पॉजिटिव थी, फीवर आया, पेशेंट शायद बहुत सीरियस हो गई है। थिंग्स हैव गॉन वेरी बैड ओवर देयर और प्रॉब्ली सारा स्टाफ क्वारंटीन में जाएगा आनंद का, और डॉक्टर ट्रीट कर रही थी, उनकी टेस्टिंग वेस्टिंग होगी जो प्रोटोकॉल होता है इनका, और बड़ा बैड सिनेरियो है। प्रॉब्ली आनंद क्वारंटीन या फिर आनंद में सेलिंग या जो भी कुछ होगा वो होगा। आज जब यह ऑडियो सुर्खियों में आई तो आनंद हॉस्पिटल की नई कर्ता धर्ता मानसी आनंद मैदान में आ गई। उन्होंने एक तहरीर डॉक्टर संदीप गर्ग के खिलाफ थाने में दी है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर संदीप ने एक ऑडियो जारी कर कहा है कि आनंद में कोरोना के मरीज का ऑपरेशन किया गया है, इसलिए आनंद हॉस्पिटल को सील कर दिया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने हॉस्पिटल को बदनाम करने, आर्थिक व सामाजिक हानि पहुंचाने की नीयत से किया है। इसके बाद दोनों ही तरफ से जंग जारी है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।